आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें एक फिगर दे रखी है, इसको देखते हैं और फिर आंसर करेंगे विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इट। तो हमारे पास एक रिएक्शन भी है इसमें, ध्यान से देखो, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, सॉरी, हमने इस एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवा दिया एक यूरेनियम के आइटम के साथ, यूरेनियम 235 के आइटम के साथ, और फिर ये दो हिस्सों में टूट गया, राइट। इसने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, अनस्टेबल हुआ और दो हिस्सों में टूट गया, क्रिप्टन 92 जो यहाँ आप देख सकते हो, प्लस बेरियम 141 वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स और निकले जो यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, एंड साथ में ऑब्वियसली एनर्जी तो रिलीज होगी ही, क्योंकि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें न्यूक्लियस के दो हिस्से हो रहे हैं, इसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। लेकिन ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एक बार नहीं हो रहा, ये लगातार बार बार हो रहा है, इसके बाद तीन तीन और निकले न्यूट्रॉन, फिर ये तीन न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम एटम को इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, तो ये नॉनस्टॉप एक चेन की तरह चलता रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, सॉरी, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, क्वेश्चन ने यही पूछा था ना, विच एलिमेंट इज यूज इन इट, तो सिंपल है, इसके अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो है यूरेनियम 235, ठीक है, जिसको हम लोग यू 235 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसी को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर यही ऊपर वाली रिएक्शंस कंट्रोल्ड स्टेट में चला दी जाती है, ठीक है। कंट्रोल्ड का मतलब इसमें हर एक लेवल पे न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई नहीं होते, जैसे यहाँ देखो पहले एक न्यूट्रॉन था, मतलब एक बार यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हुआ, अगले स्टेप पे तीन न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब तीन बार न्यूक्लियर फिजन, फिर 9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं होने देते, कंट्रोल करते हैं इस रिएक्शन को कि ये इतना तेज इंक्रीज ना करे, वरना हम लोग इतनी ज्यादा एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाएंगे और वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर है यूरेनियम 235 व्हिच इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।